नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। राजस्थान में चुनावी घमासान शुरू हो चुका है और उन सबके बीच भाजपा, कांग्रेस और बसपा सहित सभी पार्टियां सिर से एड़ी तक पूरी ताकत झोंक रही है। लेकिन राजस्थान की सत्ता तक पहुंचने के लिए भाजपा और कांग्रेस की असल खींचतान 119 सीटों पर रहती है, जबकि प्रदेश में 60 सीटें ऐसी हैं जिन पर हमेशा भाजपा का कब्जा रहता है, तो 21 सीटों पर कांग्रेस जीतती आई है। लेकिन प्रदेश की 119 सीटें ऐसी हैं जिनको जीतने के लिए दोनों ही पार्टियां राजनीति का हर दाव पेच खेलती हैं। इन सीटों पर जीत हासिल करने के बाद ही पार्टी सत्ता में पहुंचती है। अब बात करते हैं प्रदेश की प्रमुख सीटों पर पार्टियों की परफॉर्मेंस के बारे में। उदयपुर में 25 साल से कांग्रेस का खाता खुला ही नहीं। 51 साल में 11 चुनाव हुए, लेकिन कांग्रेस सिर्फ 1985 और 1998 में जीती। इसी तरह फतेहपुर में 1993 के चुनाव में आखिरी बार भंवरलाल ने जीत हासिल की, उसके बाद बीजेपी कभी यहां नहीं जीत पाई। बस्ती में कांग्रेस 1985 में अंतिम बार जीती थी। 38 साल में कांग्रेस को कभी सफलता नहीं मिली। पिछले 3 चुनाव लगातार निर्दलीय ने बस्ती सीट से लड़े। कोटपुतली में 1998 के चुनाव में बीजेपी के रघुवीर सिंह जीते थे, उसके बाद भाजपा की इस सीट पर कभी वापसी नहीं हुई। तो प्रदेश की सांगनेर सीट से 1998 के चुनाव में कांग्रेस से आखिरी बार इंदिरा मायाराम जीती थी, इसके बाद कांग्रेस यहां पर कभी नहीं जीत पाई। अब बताते हैं कौन से राज्यों में कांग्रेस को जीत मिलती आई है। कांग्रेस की बात करें तो 5 बार जोधपुर की सरदारपुर सीट से कांग्रेस को जीत मिली, जबकि बाड़ी सीट पर 3 बार कांग्रेस जीती। 3 बार झुंझुनू में बागी दौरा, सपोटरा, बाड़मेर, गुड़ा मलानी, फतेहपुर में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। साथ ही डी कुमेर, सांचौर, बड़ी सादड़ी, चित्तौड़गढ़, कोटपुतली, सरदार शहर सहित 13 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली। भाजपा का किन सीट पर कब्जा रहता है वो आपको बताते हैं। अगर विधानसभा चुनाव पर नजर डाले तो भाजपा को 5 बार पाली में जीत मिली, जबकि 4 बार उदयपुर, लाड़पुर, रामगंज मंडी, सोजत, झालरापाटन, खानपुर, भीलवाड़ा, ब्यावर, फुलेरा, सांगानेर, देवदर, राजसमंद, नागौर में जीत दर्ज की। साथ ही कोटा साउथ, बूंदी, सूरसागर, भीनमाल, अजमेर नॉर्थ, अजमेर साउथ, मालवीय नगर, रतनगढ़, विद्याधर नगर, बीकानेर ईस्ट, सिवाना, अलवर सिटी, आसिंध में 3 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की, जबकि 33 सीटों पर 2 बार भाजपा की जीत। अब आपको उन सीटों के बारे में बताते हैं जहां पर बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। रतनगढ़ सीट में 1998 में कांग्रेस के जयदेव प्रसाद इंदौरिया अंतिम बार जीते थे, फिर कांग्रेस की सीट पर वापसी नहीं हुई। सिवान में 1998 के विधानसभा चुनाव कांग्रेस के गोपालराम मेघवाल ने जीत दर्ज की, इसके बाद कांग्रेस का सीट पर खाता नहीं खुला। इस तरह से अलवर की रामगढ़ विधानसभा सीट जातीय समीकरण के आधार पर रहती है, यहाँ हिंदू मुस्लिम का चुनाव रहता है। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि इस चुनाव में कौन सी पार्टी जीतती है और कौन सी हारती है।